हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमारास वंडर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज है हमारे भारत का 75वां गणतंत्र दिवस और आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द प्राउड इंडियंस। फ्रेंड्स, आज हम निकल चुके हैं कैलाश पर्वत के लिए। कैलाश पर्वत, आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ इन सऊदी अरेबिया कैसे। सो फ्रेंड्स, आज से जस्ट दो दिन पहले अलखोबर फॉल्स इन द ईस्टर्न प्रोविंस। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा कि अलखोबर पड़ता है ईस्टर्न प्रोविंस में और हम रहते हैं अल्हासा में और हम जा रहे हैं अलखोबर। हम सबसे पहले तो मिलेंगे हमारे सीनियर्स से, डॉक्टर अमित सर एंड श्वेता मैम। दे बोथ आर ऑल्सो डेंटिस्ट और हम जा रहे हैं उनसे मिलने एज दे हैव ऑल्सो रिसेंटली शिफ्टेड। वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं अलखोबर में। हम उनसे मिलेंगे आज। फिर हम जाएंगे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत इज एन इंडियन रेस्टोरेंट, इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इट हैज़ रिसेंटली ओपन्ड अप इन सऊदी अरेबिया। पहले मिडल ईस्ट में कैलाश पर्वत की कुछ ब्रांचेस हैं विच वी विजिटेड, जैसे कि दोहा में है इन कतर। एंड देन वी विजिटेड द बहरीन ब्रांच ऑल्सो। लोग बहुत टाइम से होप कर रहे थे कि कैलाश पर्वत शुड ओपन इन सऊदी अरेबिया, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेजिटेरियन नहीं है लोग। लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर हु आर वेजिटेरियंस। अरबिक पीपल, लॉट ऑफ देम आर हैपन टू बी वेजिटेरियन। इट्स नॉट दैट एवरीबडी टेक्स नॉन वेज। पीपल इंजॉय वेजिटेरियन फूड हियर एंड स्पेशली इंडियन फूड। यहाँ पे बहुत बहुत फेमस है इंडियन फूड। बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स पे बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है। एंड ओमायरा इज अप एंड अबाउट। से हेलो टू आवर फ्रेंड्स एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। Yeah, हालांकि आज मेन एजेंडा इज नॉट कैलाश पर, बट द मेन एजेंडा इज टू मीट आर सीनियर्स, हमारे फ्रेंड्स एंड लाइक फैमिली ऑब्वियसली। और उनकी भी एक बेटी है प्यारी सी। अब वील बी स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ द डे विद देयर फैमिली। फ्रेंड्स, ये साल सिर्फ इस साल की शुरुआत सिर्फ हमारा रिपब्लिक डे ही नहीं, 75th रिपब्लिक डे बहुत ही एक बड़े अवसर के साथ हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। एक बहुत ही खुशी के माहौल के साथ ये साल शुरू हुआ है हम सब के लिए, जो कि अयोध्या में रामलला का आगमन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। हम लोग अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में ही थे। हम लोग दिसंबर में पहुंचे एंड देन वी सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर जयपुर में। अगर आप शॉर्ट्स हमारे फॉलो करते हैं डेली तो आपने देखा होगा दैट हम लोगों ने जयपुर की कुछ शॉर्ट्स भी शेयर करे आपके साथ। हमने रामलला के आगमन की जो बधाई देनी थी अब हमारे सारे फ्रेंड्स को, मायरा वंडर वर्ल्ड की फैमिली को, हमने पहले ही दे दी थी। हमने वहाँ पे खूब पटाखे भी जलाए, हमने अच्छे से सेलिब्रेट करके हम पहले ही आए और पहले ही हमने दिवाली मना ली थी व्हाइल वी वर इन इंडिया। और अब रामलला का जो आगमन हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए मैं सभी भारतीयों को, सभी हिंदुओं को, सभी को बधाई देती हूँ। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसमें कितने लोगों का योगदान है। इट्स नॉट जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, या फिर सिर्फ कुछ लोग जो आज पावर में हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या उनकी वजह से ये सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उन कार सेवकों को, और मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने कितनी ज़्यादा मतलब ब्रेवली सारे फैक्ट्स को पुट फॉरवर्ड किया फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है कि किस तरीके से उन फैक्ट्स को सामने रखा गया, कितने सालों की ये जद्दोजहद के बाद विद द हेल्प ऑफ द जजमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें ये मौका, ये अवसर प्रदान किया गया कि हम अपने रामलला को
वहाँ विराजमान होते देख सकें, और आप सबके लिए, हमारे परिवार के लिए भी ये इतना ज़्यादा सिर्फ खुशी का नहीं है, सिर्फ गर्व का नहीं, ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। क्योंकि मेरे ख्याल से अयोध्या में रामलला का आना, वहाँ पे उनका विराजमान होना, हम सबके लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बहुत बड़ी, सिर्फ जीत नहीं, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। और हमने उसको सेलिब्रेट किया, चाहे हम आज यहाँ सऊदी अरेबिया में थे उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन मन से हम वहीं थे, दिल से, दिमाग से हम वहीं थे उस समय अयोध्या में। और देखते हैं कि हमें कब ये मौका रामलला प्रदान कर दे कि हम उनकी उनके सामने हों और अयोध्या हम जाएं और उमायरा को भी दर्शन कराएं, हम भी दर्शन कराएं। कभी भी हमारा अयोध्या जाना नहीं हुआ है, तो शायद पता नहीं उसके पीछे क्या वो है, कभी हुआ ही नहीं जाना, ना परिवार के साथ, ना वैसे शादी के बाद। लेकिन मैं इसको एक वो कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने उनको उस तरीके से वहाँ पे एक टेंट में रामलला को बैठे हुए नहीं देखा। मी बीइंग एन एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन, मैं शायद मैं उस चीज़ को नहीं वो कर पाती, फेस कर पाती और बर्दाश्त कर पाती कि कैसे हम अपने भगवान को इस तरीके से टेंट में देख सकते हैं बैठे हुए। तो अब जब उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिस तरीके से उनको सजाया गया है, जिस व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ श्री रामलला, एंड उन्होंने मिस्टर अरुण योगराज, जिन्होंने ये जो स्कल्पचर हैं, जिन्होंने रामलला की मूर्ति को कार्व किया, क्या बेहद खूबसूरत मूर्ति उन्होंने कार्व करी है। वो देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे एक्चुअली मैं उनको देख रही हूँ, हम अपने भगवान को देख पा रहे हैं, खुशी होती है। और अब हम बस वी आर ऑन अवे, हम आपको आज दिखाएंगे कि हम आज दिन में क्या क्या करते हैं। कैलाश पर्वत इज ऑल्सो ऑन आर लिस्ट, तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हाउ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लुक्स लाइक हियर इन सऊदी अरेबिया। और देखा जाए तो पहला प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट यहाँ पे हम विजिट करेंगे सऊदी अरेबिया में।
हमारा आज का दिन था अलखोबर में. वी हैड अ ग्रेट डिनर एट कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट विच इज़ एन इंडियन रेस्टोरेंट, हमने आपको बताया. बहुत इंजॉय किया और बस अब हम वापस जाएंगे अल्हासा. वील हेड बैक टू अल्हासा. आई होप यू एंजॉय द व्लॉग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारे शॉर्ट्स तो आते हैं आपके लिए डेली, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आर शॉर्ट्स, कीप लाइकिंग इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय फ्रेंड्स.